उनकी कामनाएं इंद्रियों को पीछे हटा दो, व्यक्त करो होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है, उनसे नहीं होता कहीं महात्मा को काम नहीं, आप भी कर सकते हैं, आप महात्माओं से आगे बढ़ सकते हैं, प्रयत्न करने पर क्या नहीं होता, प्रयत्नांति पर प्रयत्न के लिए स्वयं के क्या नहीं है मोक्ष तक नहीं सकता, पुरुष प्रयत्न ही देवा के सहाय, मनुष्य का प्रयत्न हो देव परमेश्वर सहायता करते ही करते हर क्षेत्र में, इतना प्रयत्न से होता नहीं, सांसारिक क्रियाओं के लिए प्रतिष्ठित करें जिन क्रियाओं की से हमें लाभ नहीं मिलता, नाश क्रिया वाली क्रिया उनको हम अपनाते हैं, जिनसे कुछ मिलता है भविष्य हमारा सुधरता है उस क्रिया से हम पीछे हटते हैं, और उसके लिए कोई टैक्स नहीं, कोई किसी प्रकार का बर्डन नहीं, कोई उठाना नहीं पड़ता, वहां क्या है वहां सब कुछ है, तो मेरे प्रभु का नाम जिसके उच्चारण करने मात्र से वे बोध अनुसंधान क्रिया किए आने वाले वृद्ध होते हैं, सहायता होती है, प्राप्ति का अधिकारी व्यक्ति बनता है, ऐसा मेरे प्रभु का नाम ले लो, याद करो श्रीमंत स्मरण करो उस नाम से बड़े छुटकारा, और आप क्या अपने मन की भावना करते हैं दूसरे के मन की भावना बदल जाएगी, आप स्मरण करें स्मरणिष्ठ बने तो चिंतित होए वो चिंतित है, जो नाम स्मरण करने वाला चिंतन करेगा उसको जो चाहे वो होता है, अपने बारे में अविद्या प्रकार के चिंतित होए, अगर अपने संबंधियों के बारे में सोचता है ये जो बेचारा गरीब है इसको कुछ मिलेगा, ये रोग रोग वाला है इसका रोग मुक्त हो, अविद्यात्मता के चिंतित होए, दूसरे के बारे में चिंतन करने पर स्मरणिष्ठ बन जाओगे तो उसको तुम प्राप्त कर उसकी बात प्रभु आपके मुख से निकली हुई पूरी कर देंगे, उसका भला होगा, उसका नौकरी लग जाएगी, उसका जो है कष्ट निवारण होगा, हर प्रकार की दूर होगी, क्यों तो चिंतित हो अपने बारे में नहीं अविद्यात्मता के चिंतित होगी, अनेकों उदाहरण प्रभु में एक उदाहरण सुना रहा हूं, भगवान कृष्ण मीरा बाई जानते हैं आपने नाम सुना है, अपने समय की बड़ी रूपवान सुंदर युक्ति थी, लेकिन लगन थी मेरे श्रेय भगवान कृष्ण के साथ नाम स्मरण करना चिंतन करना भजन गाना कीर्तन करना, सुंदर देवालय बनाया हुआ था, बड़ा परिसर था चारों ओर, और प्रातः काल 4 बजे 3 बजे उठ करके मीरा बाई ने अपने देवालय को सजाना संवारना स्नान करवाना, जो उस तरीके का हो भले अपने विशेष न हो लेकिन उसकी श्रद्धा उसका प्रेम उसकी निष्ठा की बात बताने जा रहा हूं आपको, कि मनुष्य के हृदय को परिवर्तन कर देता है नाम, ये मेरा नाम स्मरण करना चिंतन करना अपना सारे देवालय की क्रियाएं करनी, और उसके आसपास का परिसर बड़ा था, उस परिसर को भगवान ने कहा करते साथ किया, कई दिन बीत गए, एक दिन भगवान को कहीं जाना पड़ा, उसने अपने बेटे को कहा बेटा तुम जाकर के उस परिसर को जो अपनी नौकरी अपनी सेवा है करना है तभी पैसे मिलेंगे, तुम जाकर के 2-4 दिन उसको साफ कर दिया करो आसपास के क्षेत्र, बेटा युवा था जवान था आया देखा मेरा भाई साफ कर रही है लेकिन जाकर के सुंदर है, क्या शादी करनी है मेरा भाई से शादी नहीं करनी, मन के अंदर निश्चय कर लिया, 2-4 दिन हम साफ सफाई करता रहा, माँ से कहने लगा माँ मैंने शादी करनी है तो मीरा बाई से करनी है तो शादी नहीं, समझा अरे बेटे कहाँ राजा भोज कहाँ दमोति अरे कहाँ वो मीरा बाई कहाँ कंगाल कैसे शादी की बात हो सकती है, ये नहीं असंभव बात पर मन से निकाल दे, गाली माँ मैंने शादी करनी तो मीरा बाई से करनी वरना मैं वैसे ही रहूंगा मर जाऊंगा, माँ की ममता वो प्रेमियों वो बच्चे के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, ये नैसर्गिक माँ के लिए इसलिए नैसर्गिक की तो स्मरण कहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, किसी को भी खुश करने के लिए लोग प्रेमियों जब तक आप उसकी सेवा अर्चना नहीं करोगे कुछ उसका हर प्रकार से ध्यान नहीं करोगे उसको सुख पहुंचाओगे तब वो प्रसन्न होगा कुछ देगा, अब ये बात भगवान ने सोची मन में कि अब इसी तरह से मीरा बाई को खुश करना है, इसलिए उसने क्या किया आसपास मीरा बाई 4 बजे आती है मंदिर जन से पहले इसने 3 बजे ही जाना शुरू किया,
मंदिर का आसपास का परिचय, अंदर की सब चीजें जो कुछ सफाई थी सारी करने लग गई। 4 बजे मीरा भाई आई, देखा मेरे ही साफ सफाई हो चुकी, कहां से होगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ये 3 बजे आकर के, 2 बजे आकर के साफ करके सारी क्लीन कर दे। मीरा भाई हैरान परेशान हो गई, है कोई आपत्ति वाला है, कोई कुछ चाहता है, कुछ पैसे उड़ाना लेना चाहता है, तो इसलिए मीरा भाई 2 बजे जाकर बैठ गए। आई हमें ऊपर का क्षेत्र साफ करने लगे, अंदर गले कहाँ गई, हमने तो नीचे का क्षेत्र था साफ करने का तुम्हारा कार्य है, ऊपर कैसे आ गई, सेवा करने आप सेवा करते हैं नहीं बोले, तुम कुछ चाहती हो मुझसे, कुछ आपत्ति विपत्ति तुम्हारी है जो उसको दूर करना चाहती हो, क्या बात है, कैसे चाहिए, कैसे जोड़ा हूँ, क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं बोले, अपना दुख बताओ, दुख बताने से धोखा होता है, रोने लग पड़ी तुझे, लेकिन क्या बताऊ, माँ की ममता है, माँ कहती है मेरे बेटे ने आपको देखा है, वो कहता है कि शादी करनी है तो मैंने मीरा बाई से करनी है, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त होगी, मेरी शर्त अगर वो करती पूरा कर देगा तो मैं बात तैयार, बैठी फिर भेजना मेरे पास, अगर थोड़ी तसली आगे उसके मन में भेजा, बेटे बोला बेटा मीरा भाई एक शर्त रखी तुम्हारे साथ बात करें, जाप करके मेरे पास आना, तुम्हारे साथ में शादी करो, मान लिया, शर्त एक महीना यूं ही बीत जाए और करना कुछ नहीं, वर्णन नहीं करना, तो उठाना नहीं कुछ, ऐसा कष्ट नहीं, बिल्कुल मंजूर है, चला गया एक आसन लिया अपना रूप माला ली, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, चलता रहा जाप, चलता रहा जाप, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, 25 दिन बीते, 26 दिन बीते, 27 दिन बीते, 28 दिन बीते, आ गए अंतिम दिन आने वाला है, ऐसे लोग प्रेमियों निष्ठा होती है, अपनी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, मीरा भाई को विश्वास था कि मेरे गुरु के नाम का जो जाप है वो क्या असर करता है, भंगन को विश्वास था, 30 दिन होने वाले में मेरे बेटे की शादी हो, बेटे के अंदर क्या और खबरें बची है इसकी लिए कोई जानता नहीं, अब जो है आखिरी दिन आया प्रॉब्लम, मीरा भाई भंगन के हिसाब से माला लेके खड़ी, भंगन का बेटा जो दूर से आया, दूर से आया और दौड़ता दौड़ता करके मीरा भाई के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा माँ तुम मेरी असली माँ है, सच्ची अर्थ में असली माँ तुम हो मेरी, तुमने मुझे तो साक्षात रूप के दर्शन करा दिए, जिसके लिए तो बड़े बड़े तपस्याएं करते हैं, बड़े बड़े साधनाएं करते हैं, तुम तो असली मेरी माँ। मीरा भाई बोले बात क्या, बोले रात भगवान कृष्ण परिवर्तित कर देना, कहा मीरा भाई कहा, लेकिन नाम स्मरण में इतनी शक्ति, इतनी ताकत नाम साया के नाम प्राप्त, इस नाम का जाप आपने करना है, इतनी तन्मयता से, इतनी लगन से, इतने प्रेम से करोगे आप अपना हृदय क्या दूसरा हृदय बदला सकते हैं, शक्ति एकता सामर्थ्य इसी तरह चक्र जो आते बता रहा था आपको, इसी कारण कि गुरु प्रेमी साधना करनी है हमने, तपस्या करनी हमने, जहां परमेश्वर को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, उसके लिए जहां विविध साधन अपनाने हैं, वहां ये साधन जरूरी है, नाम स्मरण के बिना करनी है, एक नाम तारी बाकी सब होता, उस गुरु के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, बशर्ते श्रद्धा अपने अंदर पैदा करो, इतनी निष्ठा अपने अंदर पैदा करो, इतनी आपके अंदर पावर आ जाए, पावर लाना आपके अपने अधीन, अपने अधीन है, आत्मबल जिसको कहते हैं, ये आपका अपना सदेगा, क्योंकि इस नाम की ताकत के द्वारा, श्रद्धा से हो, प्रेम से हो,
लगन से हो बिना ही मनके मटका चल रहा है, जीवा भी मोह फिर रही है, ध्यान नहीं, चिंतन नहीं, गुरु का स्मरण नहीं था, सुन नहीं पाएगा एक कार्य साधना है, हमने साधना है साध्य और उसके लिए जो भगवान क्या कहेंगे थोड़ा करो। आप संसार के आदमी नहीं, आपको वर्णन करना जीवन 3 घंटे 2 घंटे, लेकिन जितना करो उसके अंदर पूरी तरह से आपके अंदर देव पूजनम देव स्मरणम परमेश्वर का स्मरण उसके नाम का ये होना चाहिए। ये किए बिना साधना सदेगी नहीं, प्राप्ति को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। बिना परमेश्वर के नाम के कोई गति नहीं होगी, और वो नाम स्मरण इस तरीके से किया जाए तो साधना सज जाएगी। आज्ञा चाहूंगा आज जो वही समाप्त करती है।